नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि। बता दें कि लक्सर में 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर विधानसभा में बूथ स्तर पर श्रद्धा भाव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। लक्सर विधानसभा की भाजपा चुनाव सह प्रभारी अनीता वर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर विधानसभा के ग्रामीण मंडल में भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी सदस्य अंशु उपाध्याय के संयोजन में बूथ अध्यक्ष भरत उपाध्याय के निवास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार मुख्य अतिथि रहे। लक्सर विधानसभा में चुनाव सह प्रभारी अनीता वर्मा ने बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज तो संविधान हमें दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता समाहित है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान के द्वारा समाज के दलित, शोषित, वंचित और महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, वह महिला सशक्तिकरण में नींव का पत्थर बने हैं। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भाजपा के मुख्य 6 मुख्य कार्यक्रमों से एक है। ये एक आवश्यक कार्यक्रम है जिसको हर बूथ स्तर पर मनाया जाता है। यह भाजपा का बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करने के माध्यम है, जिसे भाजपा कार्यकर्ता हर वर्ष मनाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट। समानता का अधिकार दिया गया है, लिंग समानता, क्योंकि महिलाओं को पहले बराबरी का अधिकार नहीं था। तो संविधान का निर्माण उन्होंने किया, तो उसमें महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ये उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए कानून में उसको जगह दी। श्रमिकों के लिए कार्य किया, दलितों के लिए, क्योंकि पहले जो था भेदभाव की जो भावना थी उसको दूर करने का कार्य बाबा साहब ने किया है, ये उन्हीं की देन है। पुराने समय में जब जागरूकता नहीं थी तब उन्होंने जागरूकता करने का कार्य बाबा साहब ने किया, ये उन्हीं की देन है सब। तो आज हम उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।